तो देखो नेक्स्ट शीट का क्वेश्चन ये है, मोमेंट इनर्शिया ऑफ अ बिग ड्रॉप इज आई। देखो एक ड्रॉप बिग है और एक बिग ड्रॉप को किसमें बना दिया, स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो वॉल्यूम इक्वेट करना सबसे पहले, तो वॉल्यूम के अंदर 4/3 πr³ इज 8 × 4/3 π स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो इसके अंदर ये रेशियो आ गई और r की वैल्यू क्या आ गई, r/2, छोटे ड्रॉप का रेडियस आ गया। अब क्वेश्चन है जो बड़ा ड्रॉप है देखो उसका मोमेंट इनर्शिया आई गिवन है क्या होगा, 2/5 mr² इक्वेशन नंबर 1। जो छोटा ड्रॉप है स्मॉल उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश इज 2/5, मास क्या पुट करें m/8। बड़े ड्रॉप का अगर m मास है तो छोटे का 8 ड्रॉप बनाए तो m/8, और रेडियस r का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर। अब स्मॉल r की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाली हुई है, इसमें कितनी निकाल रखी है, स्मॉल r कितना, ये रहा कैपिटल r/2 का स्क्वायर। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करो और चेक करो आई डैश का आंसर क्या आ रहा है एबीसीडी में से। ए आएगा, ए आ रहा है, चेक करो आई डैश बाय आई की रेशियो आ गई तो आई डैश आई बाई 32 कुछ ऐसे, तो आई डैश बाय 1/32 आ रहा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। अब इस शीट के अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमारे वो शीट्स हो चुकी ना, अब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको डाउट है, आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहे, तो पहले आप प्लीज़ इंडिविजुअल शीट्स करें, एक एक टॉपिक को सही तरह करें, उसके बाद फिर इसके ऊपर करें, ठीक है। नहीं तो आप उलझे रहेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये नेक्स्ट लेवल की शीट है जिसमें आप मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या मार्क करेंगे। देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक थिन वायर है जिसका मास m है और लेंथ क्या है, l है। तो एक वायर जिसका मास m है और लेंथ l है, इसको क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया। रिंग का रेडियस क्या होगा, तो सरकमफ्रेंस 2πr। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, l डिवाइडेड बाय 2π। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इसमें क्या होगी, mr², और आप यहाँ पे r की जगह क्या पुट करेंगे, l डिवाइडेड बाय 2π का होल। अब लग तो मुझे भी ही रहा है 4π² आंसर में आया, 4π² आएगा आंसर में, सही कह रहे हैं क्योंकि सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट किया ना, इसलिए मुझे भी ये लग रहा है आंसर यही है। पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन कैसे करना है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम का नहीं होगा, छोड़ दें अभी, अगली बार करेंगे। ये फिगर नहीं है इसकी, रहने दें, ये मत करें। एंगुलर मोमेंटम का ये करें, 6 क्या आंसर है, 5.4। पूरी रॉड पूरी की पूरी नीचे गिर गई, मीटर स्टिक आज हमने किया था तो क्या आया था हमारे पास, वेलोसिटी वी क्या आई थी, 5.4 अंडर रूट ऑफ 3g। सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, काइनेमेटिक स्टार्ट हो गया फिर से।
आंसर है, देखो लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक ये है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थीटा, मतलब थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम डिपेंडेंट है, तो क्या आएगा 2t³ - 6t² तो ये गिवन है। टॉर्क बिकम जीरो एट टाइम टी, बताओ टॉर्क कब जीरो, टॉर्क होता क्या है आई इंटू एल्फा, आई तो जीरो होता नहीं, अगर इसको जीरो करना है तो एल्फा भी क्या होना चाहिए, जीरो, तो आंसर आएगा। अब थीटा से एल्फा कैसे निकलेगा, एक बार बताओ, एक्स से ए कैसे निकलता था, इसको डिफ्रेंशिएट करके वी, इसको डिफ्रेंशिएट करते ए, ऐसे इसमें थीटा को डिफ्रेंशिएट करके ओमेगा और ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करके एल्फा, तो ये लो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें से निकालते हैं ओमेगा, कैसे, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ थीटा की जगह 2t³ - 6t² तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 6t² - 12t ओमेगा आ गया। अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा डी ओमेगा बाय डी टी, तो डी बाय डी टी ऑफ इस ओमेगा को यहां पुट करो 6t² - 12t और अल्फा क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अल्फा जीरो होगा तभी टॉर्क जीरो होगा, यहां से निकाल देना, टाइम क्या आ रहा है 1 सेकेंड इज द आंसर।